मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्वापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज भारत की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बी महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। प्रोटेम स्पीकर बी महताब ने नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। इसके बाद संसद में क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको एबीपी लाइव का खास शो संसद में आज दिन भर में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि द्वारा स्वापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संसद का नजारा पिछले 10 सालों से आज थोड़ा अलग दिखा। इस बार विपक्ष सदन में पहले से मजबूत दिखा और जैसा कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था संसद का तापमान बढ़ने वाला है। लोकसभा का पहला दिन वाकई गर्मा गर्म रहा। ये देखिए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही संसद में ऐसा नजारा दिखाई दिया। हाथों में संविधान की कॉपी और जुबान पर संविधान बचाओ का नारा। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्षी दलों ने विरोध जताने का यही तरीका अपनाया था। समाजवादी पार्टी के तमाम चुने हुए सांसद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ सिर पर लाल टोपी गले में गमछा और हाथों में संविधान की कॉपी लिए संसद में पहुंचे थे। विरोध जताने भी सब एक साथ नजर आए। इसी विरोध की कड़ी में एक और मैसेज देने वाली तस्वीर सामने आई। जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तब कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर खड़े थे। इसके बाद राहुल गांधी ने बयान भी दिया, जरा सुनिए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। संसद में विरोध थमा नहीं। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ ले रहे थे तब संसद में नीट नीट के नारे लग रहे थे और पेपर लीक के खिलाफ विपक्ष संसद में भी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। खैर, संसद से तस्वीरों के जरिए आज कुछ और मैसेजेस भी सामने आए। सियासत में तस्वीरों वाला संदेश बहुत मायने रखता है। ये साथियों के लिए भी होता है, विरोधियों के लिए भी होता है। मौके के हिसाब से इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने भी संसद सत्र के पहले दिन कुछ ऐसा ही किया। पहले तो अखिलेश यादव की ये धमाकेदार एंट्री देखिए। पूरे 37 सांसदों का बाहुबल जो साथ है, लेकिन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो असली मजरा समझ पाएंगे। चाचा रामगोपाल भी हैं, पत्नी डिंपल भी हैं, भाई धर्मेंद्र भी हैं, लेकिन अखिलेश ने देखिए किनका हाथ पकड़ रखा है। ये अयोध्या के या यूं कहिए फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद हैं, जिनका हाथ पकड़कर अखिलेश संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव के एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में राम की नगरी अयोध्या यानी फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ है। तस्वीरों में संदेश ये छुपा है कि राम हमारे साथ हैं और हम संविधान के साथ। एक तस्वीर और देखिए, काराकाट से लोकसभा सांसद राजाराम सिंह जो पवन सिंह को चुनाव हराकर संसद में पहुंचे हैं, शपथ लेकर जब वो लौट रहे थे तो उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद तुरंत अखिलेश यादव दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें उठाया। इस वीडियो को आप फिर से देखिए। तो देखा आपने विपक्ष की मजबूती की एक और तस्वीर। चलिए शो खत्म करने से पहले एक तस्वीर आपको संसद के बाहर की भी दिखा देते हैं। लोकतंत्र की ये तस्वीर देखिए, कैसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह कांग्रेसियों से गले मिल रहे हैं
तो ये कह सकते हैं कि आज संसद से आई तस्वीरें काफी कुछ कह गई। खैर, अभी तो सत्र की शुरुआत हुई है, आगे कितना तापमान बढ़ता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज संसद में आज दिन भर के इस खास एपिसोड में इतना ही। मैं थी आपके साथ सृष्टि गोयल, देखते रहिए एबीपी लाइव।